बोले कि भैया भोग बनता है वहाँ पे और सबको यहाँ बहुत श्रद्धालु खाते हैं, कम से कम 450 लोग, बहुत अच्छा है, ये लोग करते हैं। आगे मिलने के लिए बहुत खुशी हो रहा है मिल के इन लोग से हरों के और मिले श्याम भैया भी साथ थे बच्ची लोग लेके तो, हम आए आपसे मिलने के लिए, हम चलिए चाय पी के। हम लगा हुआ था साक्षी में है ना भैया, दो घंटा जाम में परेशान थे और मिलने के लिए बेचैन थे। देखिए आ गए यहाँ पे, राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 8:30 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और अब ये खाली करके हम आ गए सीआरसी गेट में खड़े हैं, कल शाम को निकले हम। तो देखिए यहाँ पे यही सीआरसी गेट है और पेंटिंग हो रहा है। संडे है, संडे को जो छुट्टी है इसके वजह से वर्कर नहीं आ रहे हैं, नहीं तो बहुत यहाँ ट्रैफिक रहता है, बहुत बिजी रोड रहता है बहुत। और वहाँ देखिए गाड़ी रहती है, सब पार्किंग है मोटरसाइकिल का, तो इसीलिए छुट्टी है, नहीं आ रहे हैं, बंद है काम। तो देखिए हम लोग खड़े हैं और गाड़ियाँ खड़ी है, टेलर और सब खड़ी है। अब हम लोग भी खड़े हैं और हम लोग का गाड़ी कल सोमवार को लोडिंग में घुसेगा। तो दो गाड़ी मेरा लोड करके निकल गया, रात में चले गया और हम बचे हुए हैं। तो हम भी कल डायरेक्ट माल मेरा लोड होगा कोल्हापुर के रेती, तो वहाँ निकल जाएंगे हम लोग लोड करके। तो सफ़र में देखिए होली तो हम लोग घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब ड्यूटी है और ड्यूटी करना है, प्राइवेट यही बात है। अब कोई ड्राइवर भी नहीं मिलेंगे, कोई आने के लिए एग्री नहीं है होली में, सब कोई अपना अपना घर में बाल बच्चे परिवार मनाते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग का यही ज़िंदगी है, अब इसी के अनुसार चलना है। और हमारे चलते किसी का ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाएंगे घर। तो चलिए क्या कीजिए, रास्ते में मनाया जाएगा भाई बंधु के साथ में, बहुत मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं अपना दोस्त यार है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बरस वरस भी कर लिए, सेविंग भी कर लिए देखिए। और चंदन बाबू का आज भेजते हैं नहाने के लिए। सुबह के बज गया 10 और हम लोग कैंटीन गेट के नीचे बगल में ही गाड़ी खड़ी किए हैं, जहाँ से गाड़ी घूमता है चढ़ने के लिए। तो हमारे चंदन बाबू का उंगली में कट गया है ना, तो इसलिए हमको आटा सानना पड़ रहा है, तो आटा सान रहे हैं। और हम लोग का रात का जो चावल भी बचा हुआ है और चिकन भी बचा हुआ है, तो उसी को हम लोग रोटी बना के साथ में खाया जाएगा। हम सान दे रहे हैं, हम लोग का सारा दिन और पूरा नाइट और कल 10-11 बजे तक यहीं पे रहना होगा। क्यों कि जब तक गाड़ी घुसेगा नहीं, लोड नहीं होगा, तब तक हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। तो भोजन तो करना पड़ेगा ना, और उसके लिए तो मेहनत करना ज़रूरी है ना, और जब नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से बनेगा। तो इसीलिए देखिए आज हम आटा सान रहे हैं, रोटी बोलते हैं पापा हम बना लेंगे, अगर नहीं बनेगा तो हम भी रोटी बना लेंगे। रोटी मेरा बन रहा है, देखिए चंद्र बाबू आटा सान दिए थे, हम गूंद दिए थे, चंद्र बाबू रोटी बना रहे हैं आराम आराम से। चावल बचा हुआ है, चिकन भी बचा हुआ है, वही आज हम लोग का चलेगा। शाम को फिर देखते हैं क्या बनेगा हम लोग का। अब यहीं पर खड़े हैं और लेबर लोग देखिए, वर्कर लोग बेचारे सफाई कर रहे हैं, आज संडे है ना, देखिए सफाई सब कर रहे हैं। ये जो ड्राइवर ट्रेनिंग वाला ऑफिस है ना, कंपाउंडर, वहीं पे सब सफाई बेचारे कर रहे हैं। सफाई अभियान बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर सफाई नहीं होगा तो चारों तरफ मतलब कचड़े कचड़े दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। खूबसूरती उसी से ना बढ़ता है, खूबसूरती बढ़ने का रीज़न वही होता है, कोई चीज़ का सफाई रखिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। रोटी बन के रेडी हो गया हम लोग का और टाइम बच गया 11, तो हम लोग खाना निकालने जा रहे हैं। तो ये चिकन को निकाल देते हैं, चिकन को निकाल के फिर हम लोग करते हैं बाप बेटा भोजन, काहे कि आज हम लोग का इसी में काम चल जाएगा, फिर शाम को हम लोग देखेंगे। हेलो दोस्तों, ये प्रमोद कुमार सिंह शिव मंदिर है, वहाँ पे भोग, आज संडे है तो वहाँ भाई साहब आए हमारे गाड़ी के पास में, बोले कि भैया भोग बनता है वहाँ पे और सबको यहाँ बहुत श्रद्धालु खाते हैं, कम से कम 450 लोग, तो इनको 100 रुपये मांगे, हम 100 रुपये इनको दे दिए और बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा है, ये लोग करते हैं तो करना चाहिए हर आदमी को, और खिलाना चाहिए, प्रसाद वितरण होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा हमको ये बोले तो। चलिए भैया ठीक है, आप लोग करते रहिए, बहुत अच्छा है आप लोग का। हेलो दोस्तों, अभी हम देखिए कैंटीन गेट के बगल में ही रोड में ये खड़े हैं, जो बगल में भी आपका प्लांट का गेट जाता है, सामने देख सकते हैं, और ये सीधे आपको निकल जाएगा, ये नीचे जाके पेट्रोल पम्प होके
तो हमारे सब्सक्राइबर भैया लोग देखिए आ गए मिलने के लिए, बहुत खुशी हो रहा है मिल के इन लोग से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोग का, बस इसी तरह आप लोग सने प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए हमें, ठीक ना। और बहुत अच्छा लगता है हमें टाटा पे, टाटा में देखिए बगल में खड़े हैं। तो क्या कल खाली हुआ और आज हम निकले, अब कल लोडिंग है यहीं से हम लोग का, है कि नहीं, अंदर से बालू लोड करेंगे, अब ये माल जाएगा कोल्हापुर, इसी की वजह से यहाँ पे खड़े हैं हम लोग। हाँ बॉम्बे नहीं, कोल्हापुर सांगली बेंगलोर हुबली ये सब इलाका में यही रूटे हैं हमारा सेठ का, और दूसरा कोई रूट नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग इसी में एम्प्लाई है ना, चलिए बढ़िया है, काम करते रहिए आप लोग बढ़िया से। आप लोग सबको जोहार, हम लोग झारखंड भाषा में जोहार बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, हम लोग के चाचा है जैसे राजेश भैया आते थे पहले, जब भी अभी आ रहे हैं, तो आप लोग इसको चैनल सर्व कर दीजिए, अंगूठा दबा दीजिए, हो जाएगा सर। बस 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 ठीक ठीक। ये देखिए हम कैंटीन गेट के बगल में सीआरसी गेट के नीचे में खड़े हैं, गाड़ी हमारी खड़ी है, और हमारे बड़े भैया जाते क्रॉस कर रहे थे। ये देखिए इनका ये बेलोरो खड़ी है सामने हरो के, और मिले श्याम भैया भी साथ थे बच्ची लोग को लेके। तो अभी देखिए बहुत खुशी होता है मिल के, इतना खुशी होता है कि आप बयान नहीं कर सकते, और इस तरह होना चाहिए। सर आपसे मिलना मतलब हम लोग का सपना है सर, हम लोग चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये चंदन बाबू जो है बस इस तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, मिल के बहुत खुशी हुआ। अरे सर मिलना तो हमको खुश है सर, ठीक है ना। तो हम आए आपसे मिलने के लिए, हम लोग चलिए चाय पी के नाश्ता वास्ता चलिए। अरे नहीं, अरे नहीं सर, अरे नहीं सब ठीक है, अच्छा लगता है सर, हम लोग बहुत इंटरटेन करते हैं सर। ये सब सब सर टेलकोर का है सर, ये सब अच्छा भी क्वार्टर दिख रहा है सर, ये सब तो जारी रहे सर, टाटा नगर ये सब कंपनी क्षेत्र में ही बसा हुआ है। अभी हम लोग बिरसा नगर में आ चुके हैं, और बड़े हमारे देखिए क्या बोले, छोटे भैया बोलेंगे, अब तो बड़े बोलेंगे तो बोलेंगे भैया। तो देखिए हम लोग आ गए हैं, और सामने पीछे में गाड़ी खड़ी है बेलोरो, हम लोग मिलने के लिए घुमाने के लिए भैया लेकर आए, बड़ा खुशी हुआ। देखिए हम लोग मीठा खा रहे हैं, और ये बिरसा नगर बोलते हैं इसको, और बहुत ही सुंदर बाजार है, बहुत भीड़ वाला इलाका है, देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ में मार्केट लगा हुआ है, और अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। हम लोग मीठा खाते हैं तो खाइए। हाँ सर, अरे आप खाइए चंदन। अभी हम लोग बिरसा नगर में आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे में मार्केट लगा हुआ है, संडे मार्केट, संडे मार्केट है, और बहुत आज मार्केट देखिए भीड़ कितना इलाका है। और हम लोग ऊपर जा रहे हैं थोड़ा दर्शन करने के लिए बिरसा जी का, सामने आषाढ़ लगा हुआ है, और बिरसा जी का धरनी का नमन करता हूँ। और देखिए सीढ़ी बना हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा है, टाइल्स भी लगा हुआ है, साइड में ग्रिल भी लगा हुआ है पाइप का, और खंभा भी दिया हुआ है, और अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और देखिए सामने भी पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइट भी लगा हुआ है। बिरसा नगर में देखिए आ गए हैं, बिरसा जी का देखिए मूर्ति स्मारक बना हुआ है, और ऊपर में पहाड़ी के ऊपर में कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और वो लिखा हुआ भी है उनका अक्षर में, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग आगे दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ सामने चारों तरफ। ये देखिए टाटा नगर का, ये बिरसा नगर का कितना बढ़िया लग रहा है, सुंदर पेड़, खाली घर कम लौकेगा आपको, और पेड़ पौधा जंगल लौकेगा चारों तरफ में, ताक सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। और भी दिख रहा है सब, फैक्ट्री भी दिख रहा है, फ्लैट भी दिख रहा है, और पेड़ पौधा बहुत सारा दिख रहा है, यहाँ से गोल चक्कर चारों तरफ घूम के देख सकते हैं हम लोग, देखिए आप लोग। और देखिए मूर्ति बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ पहाड़ी के ऊपर, और देखिए खासियत क्या है कि पहाड़ का चटार है यहाँ पे, है ना, पूरा पहाड़ पे बसा हुआ है, चारों तरफ में खुला है, पूरा पहाड़ पे बसा हुआ है। और देखिए बाबू लोग भी आए हैं दर्शन करने के लिए, सामने ये खड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है, खुशी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग दर्शन करके धन हो गए उनका मूर्ति को, और सर देखिए लाए घुमाने के लिए, आसमार घूम के हम लोग आ गए हुआ पहाड़ी से, और नीचे आके देखिए चाय का हम लोग एंजॉय लेते हैं, चाय पी रहे हैं सर के साथ, चाय का मजा ले रहे हैं हम लोग। देखिए सामने चना का दुकान है, भुजा का फर्स्ट क्लास, सब्जी का भी देखिए मार्केट बहुत बढ़िया लगा हुआ है बगल में ही, देखिए इधर मछली का भी दुकान लगा हुआ है, मार्केट है, सब व्यवस्था यहाँ पे है, ये संडे बाजार बोलते हैं। ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसे दूर से ज्यादा नहीं है, टाटा नगर में ये राम मंदिर है, श्री रामचंद्र जी का
हमारा मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और रोड के ऊपर में मतलब कम से कम 10 फीट ऊंचाई पे बना हुआ है रोड से। और देखिए साफ सुथरा जगह है, पेंटिंग किया हुआ है, बाउंड्री भी किया हुआ है, गेट है सामने और ये स्टेडियम है बगल में स्टेडियम है, सामने ऊपर में स्टेडियम है, शेड भी बना हुआ है, बहुत अच्छा शेड बना हुआ है। और यहाँ पे खासियत है पेड़ पौधा बहुत अच्छा है, बहुत पुराने पेड़ पौधा है लगता है, देखिए बहुत सुंदर बना हुआ है। अंदर में तो हम नहीं जा पाए लेकिन बाहर से हम लोग दिखा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। छः बज के 7 मिनट हो चुका है और हम देखिए कैंटीन गेट के नीचे में आ गए हैं और राजीव जी हमारे प्यारे प्यारे छोटे भाई घुमा के और चारों तरफ ला दिए हैं। उधर आपको बिरसा नगर से लेके बिरसा मुंडा जी का स्मारक तक, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मिल के खुशी हुआ इनसे। और यहाँ छोड़ दिए गाड़ी के पास में और आप अभी छोड़ के और फिर अपना घर निकलेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन लगा, बहुत बढ़िया लगा। और इसी तरह मतलब मिलते रहिए आप लोग, कोई तरह का दिक्कत नहीं आप लोग के लिए। सर को भी प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल को और सपोर्ट कीजिए इनको, ताकि ये भी जो है आप लोग को और वीडियो बढ़िया दिखा सके। सर बहुत बढ़िया वीडियो दिखाते हैं, तो आप लोग जरूर देखिए इनका वीडियो यूट्यूब पे। ठीक है राजू जी, ठीक है सर चलिए। हेलो दोस्तों, ये देखिए ये प्रकाश सिंह और ये दीपक सिंह और डिमना रोड में रहते हैं बड़े भाई, और बहुत मतलब चाह से सबक से वो जाम लगा हुआ था साक्षी में, है ना भैया? हाँ। 2 घंटा जाम में परेशान थे और मिलने के लिए बेचैन थे। देखिए आ गए यहाँ पे गाड़ी लेकर, गाड़ी में हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं और पानी भी पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर से, देखिए टिप टप आ रहा है। और देखिए मिल के बहुत अच्छा लगा। और भैया सुनाइए आप लोग कैसे हैं और बताइए बाल बच्चा परिवार मम्मी पापा? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुआ मिल के आप लोग से। और आप लोग मतलब किस तरह भी जाना है आप लोग का? बस आपसे मिलने के लिए हम मिलने के लिए आए। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी घर ही जाएंगे। अच्छा घर जाएंगे ना, चलिए अच्छी बात है। मिलने के लिए आए, बड़े जगह हम लोग ब्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरह अभी जो है आपका बहुत बढ़िया लगता है, बस वही इसी को देख करके बस आए हैं। बहुत बस इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमें और प्यार देते रहिए, स्नेह देते रहिए, अब इससे बड़ी बात हम क्या बोल सकते हैं, ठीक ना? बड़े भी है, बस अपना सपोर्ट हम लोग के ऊपर भी रखिए। बस रहे बिल्कुल, आपसे मिलने के लिए हम लोग बहुत कष्ट करके आए, इतना जाम में फंस नहीं आप लोग तो बताइए कि है कि देखिए 2 घंटा से जाम। और तड़का भी भैया का खाना है, भैया भी तड़का बना, हाँ तो तड़का बनाने जा रहे हैं और तड़का खिला के जाएंगे, अब भैया को खिला के जाएंगे, अब भागेंगे तो ठीक नहीं लगेगा, अब बनाने जा रहे हैं तड़का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं तैयारी करने के लिए बनाने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, आज हमारा तड़का बनने जा रहा है, इसमें 5-6 तरह का दाल है, 2 राजमा है, एक लाल राजमा, एक सादा राजमा। अब पापा अंकल लोग से बैठ के गाड़ी में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तड़का को भी उबालते हैं। देखिए दोस्तों तेल मेरा गर्म हो चुका है और इसमें हम जीरा डाल दे रहे हैं। अब भैया जी भी यहीं पे हैं, देख सकते हैं, और इसमें अभी लाल हो जाएगा ना, तो इसमें लहसुन प्याज मिर्चा डालेंगे। बढ़िया से देखिए लाल हो चुका मेरा जीरा और इसमें लहसुन प्याज मिर्चा डाल देते हैं, इसको बढ़िया से भून देंगे, तड़का का मसाला बना लेंगे। उसके बाद मेरा तड़का पूरा बन के रेडी हो चुका है सींच के। तड़का लगने के बाद फिर इसमें डाल देंगे दाल को। देखिए दोस्तों मेरा प्याज टमाटर बढ़िया से भून चुका है, अब इसमें मसाला पड़ेगा, मसाला हम डाल देते हैं। बस तड़का लग रहा है। मसाला भूनने के बाद हम इसमें तड़का जो सिझाए हुए हैं उसको उबाले हुए हैं उसमें इसको डाल के फ्राई कर देंगे, बढ़िया से फ्राई हो जाएगा। देखिए दोस्तों मसाला उसाला बढ़िया से भुंजा चुका है और इसमें तड़का पड़ रहा है। देखिए धीरे धीरे डाल रहे हैं, तो इसको फ्राई करके हल्का सा उबाल देंगे, मस्त बन जाएगा। हो गया हम लोग का 11:20 और हम लोग का देखिए खाना बन के रेडी हुआ तड़का, और निकालते हैं रोटी। इधर चंदन बाबू रोटी बना चुके हैं, तड़का निकालते हैं हम लोग और तड़का निकाल के खाते हैं, भोजन करते हैं, आनंद लेते हैं। तो जय माँ अन्नपूर्णा। तो भोजन करते हैं हम लोग, जय माता, देखते हैं चंदन बाबू कैसा बनाया है हमारा।
क्या बात है, मस्त बात। बहुत मस्त बनाए भाई हम लोग का। देखिए खाना वाना खा लिए, भोजन हो गया हम लोग का, चंदन बाबू का मेरा, और अब आराम किए जाए। और पार्ट फोन किए थे जो भाई लोडिंग कराते हैं ना गाड़ी, बोले कहाँ है भैया, तो हम बोले भैया नीचे ही में है, यहीं कंटीन गेट के नीचे जो रोड है ना, पार्किंग वाला कुछ खुला जगह है, जस्ट गाड़ी घुसता है उसके नीचे में। तो उन्होंने बोले कि ठीक है कल, अभी रिपोर्ट करना पड़ेगा, कागज बनवा देते हैं, तो कल गाड़ी आपका टाइम से घुसा के लोड करा के हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया है भाई, लोड हो जाए तो हम लोग भी निकल के बाहर। तो देखिए ना हमारे एक बड़े भैया सब्सक्राइबर मीठा लेते हैं, बोले आपका मीठा बड़ा पसंद है, बड़ा रसगुल्ला खाते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, बड़ा खुशी हुआ। तो खाना हो ही गया, तो खाना खाने के बाद में थोड़ा मीठा हो जाए, तो मीठा भी खाना ज़रूरी होता है। तो एगो चंदन बाबू को खिला देते हैं और एक पीस हम खा लेंगे, फिर कल खाया जाएगा। हाँ लीजिए बाबू, और एक पीस हम खा लेते हैं, और बहुत गुड़ का है ये, गुड़ वाला है रसगुल्ला, सीरा जो है गुड़ का, बहुत अच्छा लगता खाने में, सॉफ्ट मुलायम। तो अब हम लोग आराम करते हैं, भोजन हो ही गया। तो देखिए टाइम हो गया अपने को 11:50, तो हम लोग अब आराम किए जाए। अब मच्छर बहुत है, मच्छर हम लोग खोलेंगे, लगाएंगे हम लोग अभी दोनों बार बेटा, और बढ़िया से कल के सवेरे भी गाड़ी कितने बजे घुसाते हैं भाई सब आके। तो हम लोग आज का ब्लॉगिंग समाप्त करते हैं, और कल नए ब्लॉग के साथ आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।